बच्चों का इंतजार खत्म हो चुका है और 10वीं और 12वीं के बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, तो ऐसे में क्या है, पेरेंट्स और बच्चे लोग अपना रिजल्ट देखने के लिए सीबीएसई की साइट पर जा रहे हैं, लेकिन सीबीएसई की साइट नहीं खुली है। तो मैं अभी आपको वीडियो में यही बताऊंगा क्यों नहीं खुली है, क्या रीज़न है, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल मैं सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले घबराओ मत, कोई सा भी आप एक ब्राउजर खोल लो और ब्राउजर खोलने के बाद आप सीबीएसई टाइप करके सीबीएसई को सर्च करो, और सीबीएसई सर्च करने के बाद आप उसकी cbse.nic.in को आपको ओपन करना है। आप ओपन कर लोगे उसके बाद में आपको कुछ ऐसा एरर आएगा, दिस साइड कैन नॉट बी रीच, दिस साइड वगैरह वगैरह, या फिर आपको जैसा भी मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ वैसा भी इंटरफेस आ सकता है। तो ऐसे में आने के बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट, देन उसके बाद में आप डिस्प्ले में देख सकते हो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि ये प्रॉब्लम होने का रीज़न ये है, आप लोग क्या करते हो, सारे लोग एकदम ही वेबसाइट पर सर्च करने लगते हो अपने रिजल्ट को, ऐसे में क्या है कि वेबसाइट क्रैक हो जाती है और वो खुलती नहीं है। तो आप आधे एक दो तीन चार घंटे जब तक नहीं खुल रही है तब तक आप उसका वेट करें, एकदम आप लोग सर्च करते रहते हो, बार बार उस पर रिफ्रेश करते रहते हो कि खुल जाए, बट वो खुलती नहीं है क्योंकि सारे लोग ऐसे ही करने लगते हैं। तो आप गैप दे दीजिए, दो तीन घंटे अपने वेस्ट ना करें, आप आराम से रिजल्ट अपना शाम तक देख लें और ये अपने आप खुल जाएगी, आपको इसमें आपकी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीबीएसई की साइड है, आप एकदम ही क्राउड दे देते हो इस चक्कर से नहीं खुल रही है। तो आप थोड़ी बहुत देर इंतजार करें और इंतजार करने के बाद ये साइड अपने आप ही आप सर्च करके खोलेंगे तो खुल जाएगी। बाकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ऐसी नई नई वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।